जाने माने WWE रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली का सपना भारत से अमेरिका गई रेसलिंग को दोबारा भारत में लाना है। उनका मानना है कि यह गेम पहले भारत का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे अमेरिका अपने देश ले गया था, जो पूरे विश्व में लोगों की पॉपुलर गेम है। खली ने कहा कि इस गेम को वे दोबारा भारत वापस लाना चाहते हैं। यही उनका सपना है, जिस कारण वे इसे भारत में प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई चीज का बीड़ा उठाता है तो उसे आर्थिक तंगी भी आती है। खली ने कहा कि विदेश से आने वाले महिला व पुरुष रेसलर को आने जाने सहित कई अन्य खर्चे हैं, जिन्हें फिलहाल उन्हें वहन करना पड़ रहा है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित WWE रेसलिंग में बॉलीवुड डांसर राखी सावंत के साथ महिला रेसलर द्वारा हुए हादसे को खली ने महज गलतफहमी करार देते हुए कहा कि इस खेल में ऐसा अक्सर हो जाता है। उन्होंने कहा कि वे देश में इस खेल को मशहूर करना चाहते हैं, जिसमें हरियाणा के बच्चों को इसमें लाकर देश का नाम रोशन करने की अलख जगानी है, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। तो ये रेसलिंग का थोड़ा बहुत हादसा होता रहता है, और बाकी मतलब ठीक है, मतलब मेरी बात ही ठीक है, बाकी फर्क है। और सेलिब्रिटी राखी है, अर्शी खान है, और खान साहब सिंगर, और एक दो और होंगे। मतलब खेलते हैं क्रिकेट, हमारा बहुत फेमस है, बहुत वॉलीबॉल है, कबड्डी है, रेसलिंग है, लेकिन जो प्रोफेशनल रेसलिंग है, प्रोफेशनल रेसलिंग है जो आप जो हमारे हाथ से मुद्दा अमेरिकन ले गए थे, हमारे अंतराद है। मैं अपने ओर से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ओर से करता हूँ कि भी मैं रेसलर को कि भी मैं प्रमोट करूँ, ना सिर्फ उनको डिवाइड कन्वर्ट करके उसको स्पोर्ट्स पे लगा। देखो हर शहर के लिए कोई जिम नहीं है, मेरे इसके ना इन्वेस्टमेंट बहुत है, इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है, जैसे जगह लो, और फिर ये इस चीज को बंदे तक पहुंचाना बहुत हार्ड है। जैसे कबड्डी है बहुत ईजी है, कबड्डी बहुत ईजी है, कोई भी बंदा बोले ना कि यार अपना ग्राउंड कितना होता है, तो बोलेगा हाँ ठीक है, और फोन करके काम होता है। इस पे क्या है कि रेसलिंग पे मेरे को फिजिकली जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनको किसी को पता नहीं है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा तो कर ही नहीं पाएंगे। मैं सारा बोलते ना कि ट्रस्ट लगाना, लाइटें कैसी होनी चाहिए, रैंप कैसा होना चाहिए, रिंग कैसे बनाना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे देनी चाहिए। हाँ महंगा शौक है, लेकिन बहुत अच्छा शौक है, शरीर की फिटनेस के लिए, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा शौक है। पत्रकार वार्ता के बाद खली अम्बाला शहर पहुंचे और अम्बाला के मुख्य बाजारों से होते हुए एक रोड शो का आयोजन किया। इस मौके पर अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल उनके साथ दिखे। खली की पत्रकार वार्ता में खली ने जो कुछ कहा वो आपने खुद सुना। उसके बाद खली रोड शो में पहुंचे, उसके बाद अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने राखी सावंत को खोजा। आखिरकार राखी सावंत हमें अम्बाला के जग्गी सिटी सेंटर में स्थित क्लार्किन होटल में मिली। वहाँ हमने राखी सावंत से बातचीत की, क्या कुछ कहा राखी सावंत ने खुद सुन लीजिए। मुझे खुद नहीं पता, मैं तो यहाँ पे द ग्रेट खली रिटर्न शो में आई हूँ, और मेरा यहाँ पे परफॉर्मेंस है, हर जगह स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस मेरा ही रहता है। कल भी मैंने स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस किया, और पता नहीं वो फिरंगी पे क्या भूत चढ़ गया, पता नहीं क्या उसे हुआ, मेरे बारे में शायद जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ बॉलीवुड से, तो पता नहीं क्या हुआ उसको। सडनली उसने मुझे, एक्चुअली सब लोग मेरा नाम पुकार रहे थे स्टेडियम में डांस की, तो थोड़ी पगला गई वो, और उसे गुस्सा आया, उसने मुझे ऐसे हवा में कुछ मिनटों तक ऐसे उल्टा ही रखा हवा में, मुझे तो होश ही नहीं रहा। सडनली उसने पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, और फिर उसने मुझे जोर से नीचे पटक दिया। मैं कोई रेसलर थोड़ी हूँ, मुझे तो मालूम भी नहीं है। और मेरे बैक में, मेरे पेट में और लोअर और मेरे बैक में बहुत गंदा इंजरी हुआ है, और प्रेशर आया और ब्रूज है, पूरा दाग हो गए, रेड और ग्रीन दाग। खली भाई अभी आके गए, खली भाई खुद शौक है, और खली भाई को खुद ही नहीं पता कि क्या हुआ, वो पक्का पागल हो गई। खली भाई का कसूर नहीं है इसमें,
और वो तो पता नहीं, वो रेसलर पागल है, मुझे तो अभी उससे डर लगने लग गया है, लेकिन मैं बदला चाहती हूँ। मैं उससे, उसने मुझे पटकाया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी का षड्यंत्र है, मुझे नहीं पता किसका है। मैं बाबा राम रहीम बाबा के एरिया में थी, वो षड्यंत्र है या फिर तनुश्री दत्ता का षड्यंत्र है, मुझे नहीं पता किसका है, मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरी तो बहुत बैक दुख रही है, डॉक्टर आके मुझे पेन किलर दिया है, तब जाके थोड़ा बात भी कर रही हूँ, उठी भी नहीं पा रही हूँ। आप देख रहे मेरे सब लोग आ रहे हैं, मैं उठने में दरवाजा भी नहीं खोल पा रही, दरवाजा भी खुला ही रखा है। मेरे को तो अंदाजा ही नहीं था ये मारपीट का, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। राकेश मर भी जाएगी तो भी आप पब्लिसिटी स्टंट बोलेंगे, खली भाई को पब्लिसिटी की क्या जरूरत है, राकेश को क्या जरूरत है, हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, मेरा डांस ही काफी है ना पब्लिसिटी के लिए। आपके सामने की बात है, किसी लड़की ने राखी को ऐसे पकड़ के पटक दिया, आपके सामने की बात है। मर जाऊंगी तो भी लोग पब्लिसिटी समझे, मेरे पैर बैक में इतनी चोट लगी है, बैक में इंजेक्शन मारा जा रहा, इतना दर्द हो रहा है, व्हील चेयर पर आ गई हूँ मैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भाई के साथ, कैसे पॉइंट परफॉर्म करूंगी, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम है। मुझे दुआओं की जरूरत है, किसके नजर लग गई है, किसका षड्यंत्र है, मुझे नहीं मालूम। मैं खली भाई को कहना चाहती हूँ, खली भाई कोई आपकी इंडियन रेसलर भेज के उसको बदला लो मेरा, खली भाई प्लीज, खली भाई कोई इंडियन रेसलर भेजो और उसको रेसलिंग में उसको पटक दे, कोई मारे। उनकी एक रेसलर है बुलबुल करके, सबसे हाईएस्ट और सबसे ऊंची बुलबुल है, बुलबुल प्लीज बुलबुल, वो रेसल को पटक दो, उसको मारो, कल है शो ना, उसको मारो, मुझ में ताकत नहीं है अभी खड़े रहने की, वरना मैं उसको जरूर मारती, मैं पटकती उसको, जरूर मारती उसको मैं।